हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डीके झा, केमिस्ट्री फैकल्टी। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माई चैनल केमिस्ट्री फंडा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। एज यू नो डैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस, बट आई एम ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट इन माई लेवल बेस्ट। इसको मैंने कॉपी पे फॉर्म में इसलिए लाया हूँ क्योंकि बच्चों को कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर मिल जाए और इसको स्ट्रेटजिकली बच्चे को याद भी हो जाए। तो सबसे पहले डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट शुरू करते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या होता है? यदि तुम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करो तो ट्रांजिशन एलिमेंट का यदि मैं बुक के डिफिनीशन नहीं लिखूँ, सिंपली डिफिनीशन लिखूँ, तो ये क्या होता है? ये होता है कि पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल। इसको आप लिख सकते हो कि पार्शियली फिल्ड d orbital in ground state as well as in common oxidation state. Common oxidation state. ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो, जैसे कि आपने लिया एग्जांपल स्कैंडियम 21 है बेटा, तो स्कैंडियम के लास्ट में क्या आ जाएगा? 4s2 3d1। तो ये पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट हुआ। लेकिन सवाल ये नहीं पूछेगा, सवाल आपसे पूछा जाएगा कि कॉपर से रिलेटेड। अब जैसे देखो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 4s2 3d1। अब सवाल ये उठता है कि कॉपर, अभी तो तुम देख रहे हो कि ये 4s1 3d10। अब कॉपर का जो ये डी ऑर्बिटल है ये कंप्लीटली फिल्ड है, तो 4s1 3d10 पे ये कंप्लीटली फिल्ड है। फिर तुम बोलोगे कि सर ये ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे है? तो अब इसका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? कॉपर 2 पॉजिटिव। तो कॉपर 2 पॉजिटिव के लास्ट में क्या आ जाएगा? सिर्फ मैं लास्ट वाला बता रहा हूँ, तो लास्ट में हो जाएगा 4s0 3d9। अब यहाँ पे देखो कि कॉपर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो गया कि पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल की कंडीशन में आ गया। दैट मीन्स कि कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा कि जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल्स, व्हाई? जिंक, कैडमियम और मरकरी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स रिगार्ड नहीं करते हैं। तो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, इसको यहाँ पे पॉइंट बना करके लिख देता हूँ कि उससे तुम्हें क्या होगा कि आसानी रहेगी। तो लिख लो कि जिंक कैडमियम एंड मरकरी आर not regarded as transition element because fully filled d orbital in ground state ground state as well as in common oxidation state तो इसलिए जिंक, कैडमियम, मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट रिगार्ड नहीं किया जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा। अब सवाल उठता है कि आपसे पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं उसको पॉइंट के फॉर्म में दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड 4d10 ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट, हाउ कैन यू से दैट इट इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। बेटा सिल्वर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। तो सिल्वर के बारे में क्या लिखोगे कि सिल्वर Ag एटॉमिक नंबर कितना है 47। ये जो Ag 47 है ये क्या करता है कि मैं एग्जिबिट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। Ag शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है कि वेयर इट हैज partially filled d orbital, partially filled d orbital। तो सिल्वर जो कि सिल्वर आप देख रहे हो, सिल्वर क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो इसके बारे में डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि सिल्वर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये क्या है पार्शियली फील्ड है, ये क्या है पार्शियली फील्ड है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाएगा, कॉपर मैंने आपको बता ही दिया कि व्हाई आर देयर स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इन सक्सेसिव मेंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल रो में और वर्टिकल रो में ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर होती है, ये क्यों होती है। तो इसको आप पॉइंट बना करके लिख लो, या मैं क्वेश्चन लिख देता हूं कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई आर देयर, Why are there striking similarities horizontal and vertical हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इन सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज। ये आपका क्वेश्चन हो गया कि हॉरिजॉन्टल रो में या वर्टिकल कॉलम में इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों होती है। अब इसको हम कैसे जवाब देंगे, ये देखो आप इसको लिखोगे बिकॉज, आंसर इसका लिख लो बिकॉज एलोंग ए हॉरिजॉन्टल रो, along a horizontal row, horizontal row को आप क्या बोलते हैं periods, along a horizontal row या periods electrons enters in an incomplete inner shell, in an incomplete inner shell, while outer levels, while outer shell remain same, while outer shell रिमेन सेम। तो बेटा आउटर सेल चेंज नहीं होता है, इसके कारण क्या होता है कि इसकी प्रॉपर्टी जो है हॉरिजॉन्टल रूप मतलब पीरियड में लगभग में सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। अब तुम पूछोगे वर्टिकल कॉलम में क्यों होता है, इन केस ऑफ वर्टिकल कॉलम, इन केस ऑफ वर्टिकल कॉलम Due to their similar electronic configuration. Due to their similar electronic configuration, their properties are same. their properties are same. Their properties are same. दिखाई दे रहा है बेटा, देयर प्रॉपर्टीज आर सेम. ओके, ये हो गया आपका. चलो अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हमारे पास है कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज क्या होंगे? तो ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हेडलाइन डाल दो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज. अब इसको मैं बहुत ही बारीकी से आपको बता रहा हूँ. फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है. अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कैसे याद रखोगे? तो सबसे पहले जितने सारे ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उनके हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होते हैं. हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है. हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होते हैं. डक्टिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, डक्टिलिटी होती है. मेलेबिलिटी होती है, मेलेबिलिटी होती है. हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है. उसके बाद इसमें कैरेक्टर होता है मेटालिक लस्चर, मेटालिक लस्चर की, मेटालिक लस्चर, ठीक है. तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया तुम्हारा फर्स्ट. सेकेंड में आ जाओ कि जितने सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं. तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होते हैं. तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. हाई मेल्टिंग पॉइंट, अब मैं लिख देता हूँ कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं वो क्यों होते हैं. तो यहाँ पे लिखो आप, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, Due to a strong metallic bonding, which is further due to involvement of ऑफ greater number of electrons from n-1 d orbitals in addition to ns electrons. क्या होता है कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ज्यादा बॉन्ड बनेगा, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मेल्टिंग पॉइंट उतनी ज्यादा होगी. समझ में आ गया बात कि हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है. हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में एक पॉइंट आपको और भी याद रखना पड़ेगा। एनसीईआरटी में आप ग्राफ देख लेना कि हर एक सीरीज में एनसीईआरटी का यदि आपके पास बुक होगा तो आप देखना कि लेफ्ट से राइट जब हम जाते हैं, चाहे 3D सीरीज हो, 4D सीरीज हो या 5D सीरीज हो, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट D5 पे होता है, एक्सेप्ट मैग्नीज एंड टक्टेनियम। मैग्नीज और टक्टेनियम को यदि आप छोड़ दो तो ठीक है। तो इस पॉइंट को आप स्टार बना करके लिख लो कि लिखो इन एनी पीरियड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दोज metals rise to maximum at D5। मतलब D5 कॉन्फिग्रेशन तक ये मैक्सिमम जाएगा, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्ट हो जाएगा आपका मैग्नीज 3D सीरीज का एंड टक्टेनियम, तो एक्सेप्ट Mn एंड Tc, और उसके बाद क्या लिख दोगे, एंड फॉल रेगुलरली एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। चलो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ गया कि इसका इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई क्यों होता है। तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में नहीं लिख करके पॉइंट के फॉर्म में इसका डिस्कशन कर लेते हैं। हाई इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, हाई इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इसको आप कैसे डील करोगे, इसको आप सिंपल भाषा में मैं आपको समझा देता हूं। देखो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब आप इसको लिखो, because of large number of unpaired electrons, in their atoms, transition elements have stronger interatomic interaction और स्ट्रॉन्गर इंटरएटॉमिक इंट्रैक्शन होने के कारण क्या हो जाएगा कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो जाएगा। तो आप लिख दो एंड हेंस स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग, बिटवीन एटम्स, रिजल्टिंग इन हायर इंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन, समझ गए आप? ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आउट कर रहा हूँ जो आपको सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है। क्वेश्चन ये रहेगा कि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है। कितना है? 21। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 21 है। और जिंक का कितना है? 30 है। कह रहा है कि द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ जिंक इज लोएस्ट। जब आप सीरीज में स्कैंडियम से जिंक के तरफ जाओगे तो पूछा जा रहा है कि जिंक का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन लोएस्ट होता है, वो क्यों? तो इसको क्वेश्चन नहीं लिख करके मैं पॉइंट के फॉर्म में लिख देता हूं कि इन थ्री डे सीरीज जिंक 30 हैज लोएस्ट इंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन ड्यू टू absence of unpaired electron ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा नहीं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनेगा तो इसका इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इसका क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाओ, हम नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। कह रहा है कि डेंसिटी जो एलिमेंट्स होता है वो टाइटेनियम से कॉपर की तरफ जब आप जाओगे तो डेंसिटी इंक्रीज करता है, कारण बताओ। तो डेंसिटी का कारण छुपा हुआ है बेटा साइज में। किस में छुपा हुआ है? साइज में। तो इसको पॉइंट बना करके लिख लो, डेंसिटी को पॉइंट बना करके लिख लो। लिखो देयर इज ए सक्सेसिव डिक्रीज इन रेडियस देयर इज ए सक्सेसिव डिक्रीज इन रेडियस एंड सक्सेसिव इंक्रीज इन मास एंड सक्सेसिव increase in mass. Density increases from successive increase in mass, density increases. Simple point लिख दो, density increases. Density increase क्यों कर रहा है? Density increases. अब तुम सिंपल सी बात यहां पे समझो ना कि density equal to क्या होता है? Density equal to होता है mass by volume। जब तुम पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहे हो, मान लो स्कैंडियम टाइटेनियम से मान लो बढ़ते 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 तुम चले गए जिंक तक, तो साइज तो डिक्रीज कर रहा है अलोंग द पीरियड, बट मास क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो मास बाय वॉल्यूम, तो साइज के डिक्रीज करने से वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो डेंसिटी क्या कर रहा है? वॉल्यूम का सॉरी साइज के इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज करने से डेंसिटी क्या हो जाएगा? सॉरी, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है। साइज डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम क्या, सॉरी यार, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो साइज क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और दूसरा पॉइंट कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो मास इंक्रीज कर रहा है। तो एक तरफ जहाँ पे मास इंक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, डेंसिटी लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। बहुत सही। अच्छा, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे आउट कर रहा हूँ कि जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, ठीक है, कि तुम ऐसे समझ लो कि क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि इन द ट्रांजिशन सीरीज विथ एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर द एटॉमिक रेडियस डज नॉट चेंज मच। व्हाई? कह रहा है कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है फिर भी साइज इंक्रीज नहीं करता है, क्यों? तो इसको पॉइंट लिख लो, एलॉन्ग ए पीरियड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू इनर डी ऑर्बिटल। एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डज नॉट चेंज इनर डी ऑर्बिटल एंड ऐसे मान लो एंड पुअर शील्डिंग इफेक्ट, their radius does not change much उसका रेडियस बहुत ज्यादा चेंज नहीं करता है। अच्छा, यहां पे एक क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि रेडियस ऑफ Fe2 पॉजिटिव छोटा होता है Mn2 पॉजिटिव से, क्यों? इसको क्वेश्चन को इसको भी पॉइंट के स्टार लगा लो कि व्हाई इज रेडियस ऑफ Fe2 पॉजिटिव इज लेस देन दैट ऑफ Mn2 पॉजिटिव ये क्वेश्चन हो गया। तो आंसर लिखो इसका, जो जवाब आप सीबीएसई बोर्ड में लिखेंगे कि Fe2 पॉजिटिव हैज लेसर रेडियस, देन Mn2 पॉजिटिव because effective nuclear charge is more in Fe2 positive as compared to Mn2 पॉजिटिव। ठीक है, अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहा हूं। जितना भी पॉइंट आज बात करूंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट की ही बात करूंगा कि एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा कि हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इरेगुलर वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज फर्स्ट एंड सेकेंड इन फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो 3D सीरीज है या जो 4D सीरीज है उसके आयनाइजेशन इंथैल्पी का वेरिएशन एक जैसा क्यों नहीं है, बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी क्यों आ रहा है? इसको आप पॉइंट बना करके लिख लो कि इरेगुलर वेरिएशन ऑफ enthalpies of atomization irregular variation of इंथैल्पीज ऑफ आयनाइजेशन। की बात हो रही है। इंथैल्पीज ऑफ आयनाइजेशन इज मेनली ड्यू टू दो कारण से होता है बेटा। मेनली ड्यू टू ऐसे लिख लो आप कि वैरिंग डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट थ्री डी कॉन्फिग्रेशन जैसे तुम देख सकते हो कि एग्जाम्पल हमें जिसका D0 है या जिसका D5 है या जिसका D10 है वो एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा स्टेबल है, आर एक्सेप्शनली स्टेबल। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाएगा कि कॉपर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी Ie1 ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन Ie1 ऑफ सोडियम, व्हाई? कॉपर का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम के फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा क्यों है? इसका आंसर बेटा इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में छुपा हुआ है। आप कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करो तो कॉपर के लास्ट में क्या आ जाएगा, 4s1 3d10, और सोडियम के लास्ट में आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1, क्या आ जाएगा 3s1। अब सवाल उठता है कि ये 3s से इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पे 4s से जाएगा, फिर भी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कॉपर की हायर होती है सोडियम से क्यों? अब मैं बता रहा हूं। अब इसके पीछे कारण क्या है कि जरा कॉपर के बारे में देखो, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, दिखाई दे रहा है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट the forest electron of copper is strongly held by nucleus, तो बेटा जो 3D है इसका शील्डिंग इफेक्ट क्या है, पुअर है, शील्डिंग इफेक्ट पुअर है। तो ये जो 4s1 इलेक्ट्रॉन तुम देख रहे हो ये कॉपर के न्यूक्लियस के द्वारा स्ट्रांगली हेल्ड अप है, ठीक है, स्ट्रांगली हेल्ड अप है। इसलिए तुम लिख सकते हो कि देयर फोर इट हैज हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन सोडियम, गुड। अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे कि आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीज, is unexpectedly higher, why? सवाल ये उठता है कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है मैग्नीज का वो अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा होता है क्यों, इसका जवाब पूछा जाएगा। इसका जवाब तुम यहाँ पे देखो, याद करते चलो, MN देखो, मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में छुपा हुआ है। Mn25, तो इसके लास्ट में क्या आ जाएगा 4s2 3d5। जब आप इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो इट विल बिकम Mn2 पॉजिटिव और यहां पे आ जाएगा 4s0 3d5। अब जब आप थर्ड इलेक्ट्रॉन फिर से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तभी बनेगा Mn3 पॉजिटिव, तभी आपको जरूरत होगा आई थर्ड का, किसका आई थर्ड का। नाउ थिंक, अब जो तुम थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो थर्ड इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा, अब वो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3d5 से, और 3d5 क्या है, हाफ फील्ड है। 3d5 क्या है बेटा, हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, इसलिए इसका आयनाइजेशन एनर्जी जो है तो हाई होता है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट बना करके लिख देता हूं कि थर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, थर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम 3d5 ऑफ Mn एटम which is half filled and extra stable, which is half filled and extra stable। ठीक है, ये हो गया। क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है वो सब भी मैं डिस्कशन साथ साथ करते जा रहा हूं। अब यहां पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की यहां पे चर्चा करूंगा कि फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी IE1 जो 5D सीरीज का है, IE1 फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी 5D ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये ज्यादा बड़ा होता है किससे, IE1 3D सीरीज का या IE1 4D सीरीज का। व्हाई, ऐसा क्यों, व्हाई जवाब दो, ऐसा क्यों होता है, कुछ समझ में आया बात, मैं बता रहा हूँ। इसका यदि क्वेश्चन पूछ दिया सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, आज मैं कॉपी पे फर्स्ट डे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए शुरू में मुझे दिक्कत भी हुई, लेकिन चलो धीरे धीरे मैं एडजस्ट कर गया। तो इसका बेटा जो आंसर लिखना सीबीएसई बोर्ड के लिए वो मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर तुम लोग लिखोगे ड्यू टू, इसको लिख दो आंसर, due to poor shielding effect of 5d and 4f electron. 5d and 4f इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपर लिखो, 5d एंड 4f इलेक्ट्रॉन्स, मैं पेज पलट रहा हूं, 5d एंड 4f इलेक्ट्रॉन्स। Effective nuclear charge increases, effective nuclear charge increases, hence ionization enthalpy of 5d transition element is more than (3D and 4D) ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, ये हो गया। अब आपसे सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिक्रीजेज ऑलमोस्ट रेगुलरली फ्रॉम स्कैंडियम टू कॉपर। आप स्कैंडियम से कॉपर की तरफ जाओ, रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेज। व्हाई, क्यों डिक्रीज कर रही है, क्या बताओगे? देख बेटा, रिएक्टिविटी डिक्रीज करने का रीजन है आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज कर रहा है। तो सिंपल एक लाइन में लिख देना, ड्यू टू आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीजेज। ड्यू टू आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीजेज। ठीक है, आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज कर रहा है इसलिए। चलो, यहां तक मैंने पूरा क्लियर कर दिया। अब मैं बात कर रहा हूं, न्यू टॉपिक ले लेता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, सबसे पहला पॉइंट यहां पे उठेगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट में जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो लास्ट एलिमेंट है उसको छोड़ करके बाकी सारा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो लिख दो कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। फर्स्ट और लास्ट मेंबर को छोड़ दो तो सारे के सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब सवाल उठता है क्यों शो करते हैं? क्योंकि इसको लिखो रीजन, बिकॉज। क्यों शो करते हैं? बिकॉज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ट्रांजिशन मेटल, द बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन are present in two different set of orbital ns में है and n-1d में। ठीक है, और ns और n-1d का एनर्जी डिफरेंस क्या है? बहुत कम है। ns एंड n-1d एनर्जी डिफरेंस इज वेरी स्मॉल। एनर्जी डिफरेंस इज वेरी स्मॉल। एनर्जी डिफरेंस क्या है? बहुत कम है। एनर्जी डिफरेंस इज वेरी स्मॉल। अच्छा, यहां पे दो बात आएगी। जब NS इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड होगा तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म करेगा। अब लिखो यहां पे एक बात, यहां पे आप एकदम पॉइंट आउट करो कि NS इलेक्ट्रॉन ओनली इन्वॉल्व्ड, सिर्फ NS इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व्ड है। देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, आर फॉर्म्ड। जब सिर्फ NS इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा, लेकिन जब NS भी इन्वॉल्व है और N-1D भी इन्वॉल्व है, देख रहे हो, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फॉर्म। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फॉर्म। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएगा, ये बात आप लोगों को दिमाग में रखना है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके संबंध में, जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन शो करता है? वो शो करता है रूथेनियम, आर यू। तुम बोलोगे कौन से कंपाउंड में? ये शो करता है RuO4। ओस्मियम OH, ये शो करता है OHO4, इसमें शो करता है। अच्छा, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में और भी कई सारे सवाल उठेंगे कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है ट्रांजिशन मेटल का, वो किसके साथ कंबाइन करने पे शो होगा। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स, shown by transition elements when it is combined with most electronegative फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन एटम, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन एटम। जैसे मैं यहां पे कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे आप देखो कि हमने लिया CrO3, तो क्रोमियम का कितना हो गया? +6। हमने ले लिया Mn2O7, मैग्नीज का कितना आ गया? +7। हमने ले लिया VF5, वैनेडियम का कितना आ गया? +5। तो ये शो करता है तब जब ये फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है। जो अच्छा, बहुत सारे एलिमेंट हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज के द्वारा शो होता है। तो ये पॉइंट भी आप नोट करो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आर शोन बाय Mn, मैग्नीज। मैग्नीज के द्वारा शोन होता है कौन कौन? +2, +3, +4, +5, +6, +7, इतना ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज के द्वारा शो होता है। अच्छा, जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है 3D सीरीज का, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ये +2 है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। इसका एक एक्सेप्ट स्कैंडियम, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पे आप लोगों को बताने जा रहा हूं। जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जैसे मान लो +2, +3, ये मोस्टली आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड। और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक आपका हो गया +6, +7, ये आपको कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आउट करूंगा कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट स्मॉलर इन साइज। तो सबसे पहले कि फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शोन ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि फिर भी ऑक्सीजन के साथ ज्यादा होता है, तो वो पॉइंट मैं इधर आउट कर देता। पूछ देगा क्वेश्चन कई बार कि ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन से भी ज्यादा होता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो होता है, क्यों? तो मैं इधर लिख रहा हूं कि ऑक्सीजन has also capacity. Oxygen has also capacity to form multiple bonds. Hence, it shows हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। लिख रहे हो आप? अब यहां पे सवाल ये उठता है कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है जैसे मैग्नीज शो कर रहा है वो मिडिल ऑफ द सीरीज में है, तो मिडिल ऑफ द सीरीज में जो एलिमेंट लाइक कर रहा है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्यों? तो क्वेश्चन नहीं लिख करके इसको पॉइंट बना लो, इसको पॉइंट ऐसे बना लो कि लिख दो कि इन द मिडिल ऑफ द सीरीज number of unpaired electrons are maximum, hence the metal show greatest number of oxidation state। greatest number of oxidation state। एग्जाम्पल इसका डाल दो मैग्नीज, पूछेगा कि मैग्नीज ही क्यों शो करता है तो लिख देना अच्छा। ऐसे भी पॉइंट उठ सकता है कि 3D सीरीज में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर फ्रिक्वेंटली या मोस्ट फ्रिक्वेंटली शो करता है और क्यों? तो इसमें कॉपर +1 shown frequently, why shown frequently why, पूछेगा क्यों, क्यों फ्रिक्वेंटली सोच करता है। मैं आपको बता रहा हूं कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होता है इट इज 4s1 3d10। जब ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर पॉजिटिव, इट विल बिकम 4s0 3d10। दिस इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए कॉपर जो है मोस्ट फ्रीक्वेंटली ये शो करता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक और परसेप्शन है कि Mn+3 ऑक्सीडेशन में कम एग्जिस्ट करता है क्योंकि उसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। अच्छा, अब आप एक स्टार लगा करके लिखो पॉइंट कि व्हाई आर Mn2 पॉजिटिव कंपाउंड्स more stable than Fe2 positive towards +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैं इसका रीजन बता रहा हूं। जब आप लिखते हो Mn2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव के लास्ट में कितना आ गया 3d5, और आप लिखते हो Fe2 पॉजिटिव, इसके लास्ट में कितना आ रहा है 3d6। क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे, क्या क्वेश्चन था आपका कि व्हाई आर Mn2 प्लस कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन Fe2 प्लस कंपाउंड टुवर्ड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो सवाल उठता है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा, मान लो ये बन जाएगा Fe3+ और Fe3+ बन जाएगा तो इसका ये कितना हो जाएगा 3d5, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और Mn2+ ऑलरेडी हाफ फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहेगा तो वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ नहीं जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा। अब आ जाओ आप बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बेटा आप ऐसे समझ लो ना कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है तो ये कुछ फैक्टर पे डिपेंड करेगा। लो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सेकेंड लो आयनाइजेशन इंथैल्पी, थर्ड हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी। नहीं, डिपेंड करता है सब्लिमेशन पे, आयनाइजेशन पे और हाइड्रेशन पे। फेवरेबल कंडीशन जो होगा कि फैक्टर्स जो कि रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल को इंक्रीज करवा दे। देखो E0 वैल्यू, E0 रिडक्शन वैल्यू निगेटिव में जितना ज्यादा होगा वो उतना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये जो तुम देख रहे हो पॉइंट, दीज थ्री फैक्टर्स इंक्रीज रिड्यूसिंग पावर। ये रिड्यूसिंग पावर को क्या कर देगा, इंक्रीज करवा देगा। ये रिड्यूसिंग पावर को इंक्रीज करवा देगा। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन कॉमन भी है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कह रहा है कि कॉपर का E0 वैल्यू जो है 3D सीरीज में, 3D ट्रांजिशन सीरीज में कॉपर का E0 वैल्यू पॉजिटिव में होता है +0.34। अब बाकी सब निगेटिव में होता है। व्हाई बाकी सब नेगेटिव में होता है व्हाई। इसका रीजन आप क्या दोगे? इस क्वेश्चन व्हाई, इस क्वेश्चन का जवाब तुम लोग सोच करके रखो, मैं आगे दूंगा। एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए छोड़ा हूं, ठीक है? तब तक मैं आगे बढ़ता हूं कि ई नॉट वैल्यू Mn3 पॉजिटिव, से Mn2 पॉजिटिव, ये मोर पॉजिटिव होता है, मोर पॉजिटिव देन ई नॉट वैल्यू ऑफ क्रोमियम 3 पॉजिटिव से क्रोमियम 2 पॉजिटिव, और ई नॉट वैल्यू Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव। क्यों? ठीक है, इसका जवाब मैं इधर दे रहा हूं इस पेज पे। इसका एक सिंपल सा आंसर है, मेनली ड्यू टू मच लार्जर, मेनली ड्यू टू मच लार्जर आई थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ Mn, ठीक है? बस अब एक क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर इक्वल टू +0.34, जबकि ई नॉट जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक -0.76 वोल्ट। व्हाई? जवाब दो, मैं बता रहा हूं। कॉपर का पॉजिटिव क्यों होता है और जिंक का नेगेटिव क्यों होता है? लिखो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर लिख लो आप कि हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी टू चेंज कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव इज नॉट बैलेंस्ड बाय हाइड्रेशन इंथैल्पी, Therefore, it exhibit positive E naught value। जबकि आप जिंक की बात करो, however जिंक exhibit a lower value of ionization enthalpy, a lower value of ionization enthalpy because a stable 3d10 configuration, और एक पॉइंट तुम यहां पे और भी ऑड कर सकते हो कि हाइड्रेशन इंथैल्पी वैल्यू, हाइड्रेशन इंथैल्पी फॉर जिंक 2 पॉजिटिव इज कंपेरेबल टू डेट ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव, hence E0 for zinc is negative. नोट कर लिए। ठीक है, अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आपको डी एंड एफ ब्लॉक का यदि ये नोट्स चाहिए हैंड रिटन तो आपको अवेल हो जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बनाता है क्यों? ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, सेकेंड हाई न्यूक्लियर और आयनिक चार्ज, हाई न्यूक्लियर और आयनिक चार्ज, एंड थर्ड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। ये हो गया आपका पॉइंट। अब आ जाओ कि ट्रांजिशन मेटल्स कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है क्यों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांजिशन मेटल फॉर कलर्ड कॉम्प्लेक्स, व्हाई कलर्ड कॉम्प्लेक्स ये बनाता है, क्यों बनाता है? अब मैं इसका जवाब दे देता हूं। ट्रांजिशन मेटल contain partially filled d subshell, ठीक है। अब ये जो d इलेक्ट्रॉन है, the d इलेक्ट्रॉन्स absorb light, form the visible range, form the visible range and are excited to higher d orbital हायर डी ऑर्बिटल्स, मतलब T2G से कहाँ चला जाएगा, Eg में, ठीक है। मतलब ड्यू टू डी ट्रांजिशन, ड्यू टू डी ट्रांजिशन। तो बेटा यहां पर जो ये कलर होगा ये होगा ड्यू टू डी ट्रांजिशन, ये कलर होगा, ठीक है। ये हो गया। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे जनरली पूछा जाता है कि जिंक सॉल्ट जो होता है तो व्हाइट होता है, जिंक सॉल्ट are white, while copper 2 positive salts are colored. Why? इसके पीछे रीजन क्या है कि जिंक टू पॉजिटिव का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है ये होता है 3d10, जिंक टू पॉजिटिव का कितना हो जाएगा 3d10। तो ये है फुल्ली फिल्ड, और कॉपर टू पॉजिटिव का क्या हो जाएगा 3d9, पार्शियली फिल्ड। तो ये हो जाएगा कलर्ड। अच्छा, अब आप यहां पे आ जाओ कि पैरा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा तो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। तो बच्चों ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि जैसे आप देखो यहाँ पे है CrO, फिर है Cr2O3, फिर है CrO3, यहाँ पे -6 + 6 - 6 + 3 - 2 + 2। तो अब आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ते जा रहा है, एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ते जा रहा है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर विल बी एसिडिक कैरेक्टर। मोर विल बी एसिडिक कैरेक्टर। तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होता चला जाएगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे पूछ सकता है क्वेश्चन कि लोएस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक, एक्सप्लेन करो। तो क्या लिखोगे, मेटल एटम्स इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट हैज लो पोलराइजिंग पावर। लिख लो, पॉइंट बना करके लिख लो कि मेटल एटम्स इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल एटम्स इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट हैज लो पोलराइजिंग पावर। and hence makes ionic compounds. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आएगा कि कॉपर 2+ जब Ki के साथ रिएक्शन करेगा तो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। क्या है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट और क्यों? तो लिख लो कि व्हेन कॉपर 2+ रिएक्ट्स विथ Ki, Cu2 I2 is formed. Cu2 I2 is formed, which is white in color. जिसका कलर क्या हो जाएगा बेटा? व्हाइट हो जाएगा, which is white in color. ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स की। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, एक है KMnO₄, एक है K₂Cr₂O₇। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं KMnO₄ को। KMnO₄ को आप प्रिपेयर कैसे करेंगे? तो इसका प्रिपरेशन देखो बेटा, इसका प्रिपरेशन हो जाएगा कि आप पायरोलिसाइट ओर ले आओ, आप ले आओ 2MnO2 प्लस 4KOH, O2 के साथ रिएक्शन करवा दो, इट विल गिव यू 2K2MnO4 प्लस 2H2O। अब ये हो गया फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे जी? ये K2MnO4 बना है, एक्चुअली में ये है MnO4₂-, ये 4H+ के साथ रिएक्शन करा लेगा, इट विल गिव यू, यदि बैलेंस करके लिखोगे तो 3MnO4₂-4H+, it will give you 2MnO4- plus MnO2 plus 2H2O। ये जो MnO4- है ना बेटा, इसका कलर है पर्पल। कौन सा कलर है? पर्पल। ठीक है, पर्पल। MnO4₂- के स्ट्रक्चर की आप बात करो तो ये हो गया MnO4₂- का स्ट्रक्चर, और यदि आप MnO4- के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये हो गया Mn डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो O-। ये है आपका टेट्राहेड्रल ग्रीन। ये है आपका टेट्राहेड्रल पर्पल। अच्छा, KMnO4 का नेचर क्या होता है बेटा? ये आप देख लो, पूरा पेज देख लिया आपने। ठीक है, अब आ जाओ आप KMnO4 के बारे में जानो। देखो बेटा, KMnO4 मेनली क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका नेचर जो है ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। इसका नेचर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, यहां पे दो पॉइंट तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। एसिडिक मीडियम में जब ये रिएक्शन करता है तो इसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि KMnO₄ माइनस 8H positive plus 5 electron will give you Mn2 positive plus 4H2O. E0 equal to 1.515 volt. न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम में यदि आपको लेना है तो ये आपका दे देगा MnO₄ माइनस प्लस H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन से आ जाएगा आपका 3OH माइनस प्लस MnO₂। इसका E0 होता है 1.23 वोल्ट, 23 वोल्ट। अब आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, पूरा पूरा रिएक्शन लिखूंगा तो याद करना मुश्किल हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिखो कि ऑक्सीडेशन बाय एसिडिफाइड KMnO₄। अब मैं तुम्हें एकदम सिंपल बता रहा हूं कि ये I माइनस को ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में, बैलेंस कर लेना। Fe2 पॉजिटिव को ऑक्सीडाइज कर देगा Fe3 पॉजिटिव में। C2O4 2 नेगेटिव को ऑक्सीडाइज कर देगा CO2 में। S2 माइनस को ऑक्सीडाइज कर देगा S में। SO3 2 माइनस को ऑक्सीडाइज कर देगा SO4 2 माइनस में। NO2 माइनस को ऑक्सीडाइज कर देगा NO3 माइनस में। फिर से ध्यान रखें, KMnO₄ एसिडिक मीडियम में I माइनस I2, Fe2 प्लस Fe3 प्लस, C2O4 2 माइनस CO2, S2 माइनस S, SO3 2 माइनस SO4 2 माइनस और NO2 माइनस NO3 माइनस देता है। अब आप आ जाइए न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम में क्या होता है। न्यूट्रल एंड अल्कलाइन मीडियम में ये क्या करता है, न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम में ये I माइनस से आपको दे देगा IO3 माइनस ठीक है, और जैसे S2O3 2 माइनस से दे देगा SO4 2 माइनस। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब हम दूसरे इंपॉर्टेंट कंपाउंड पे आ रहे हैं, इसका नाम है K₂Cr₂O₇। देखो ये कैसे बनेगा K₂Cr₂O₇। सबसे पहले आप क्या करो कि फेरोक्रोम ले लो। प्रिपरेशन आप ले लीजिए 4 मोलिकुल ऑफ FeO.Cr₂O₇। इसको रिएक्शन करवा दो Na2CO3 प्लस 7O2, इट विल गिव यू 8 मोलिकुल ऑफ Na2CrO4। प्लस 2 Fe2O3 प्लस 8 CO2। फिर सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि Na2CrO4 को एसिडिफाई कर देंगे H2SO4 के साथ, इट विल गिव यू Na2Cr2O7 प्लस Na2SO4 प्लस वाटर। फिर थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में बेटा क्या करेंगे कि Na2Cr2O7 प्लस 2KCl will give you K2Cr2O7 प्लस 2NaCl। तो आपको इस तरीके से K2Cr2O7 मिल जाएगा। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि क्रोमेट आयन या डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर बताओ। देख बेटा, जब बात आप कर रहे हो क्रोमेट आयन का, CrOOO CrO4 2- ये हो गया आपका क्रोमेट आयन। जब आप Cr2O7 से बात करेंगे O O O O CrOOO ये हो गया Cr2O7 2-, ये हो गया डाइक्रोमेट आयन। अब आ जाओ इसकी हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखो कि यदि आप Cr2O7 2- इसको आप H2O2 से रिएक्शन करवाते हो, H2O2 बैलेंस करके लिखोगे तो ऐसे 2H पॉजिटिव, इट विल गिव यू 2CrO5 प्लस 5H2O। अच्छा, CrO5 का कलर होता है ब्लू। CrO5 का यदि स्ट्रक्चर पूछेगा, ये ड्रॉ कर देना। इसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा तो -2 -1 -1 -1 -1, ये हो गया +6। ये हो गया आपका +6। यदि आप इसी को अल्कली से रिएक्शन करवाते हो, K2Cr2O7 प्लस 2KOH, ये बन जाएगा 2K2CrO4 प्लस H2O। अच्छा, इसका भी मेन ये क्या है प्रॉपर्टीज, इसका भी जो बेटा मेन प्रॉपर्टीज है वो यही है कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है। यदि किसी बच्चे को इस पूरे नोट्स का PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट्स पर लिखना, फिर कांटेक्ट करके आपको PDF मिल सकता है। टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, जब इसका तुम करोगे Cr2O7 2- 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। अब इसका जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो क्या करेगा, K2Cr2O7 क्या करेगा, आपको ऑक्सीडाइज करेगा। तो बेटा ये ऑक्सीडाइज कैसे करेगा, I- से I2, H2S से बना देगा S, SN2 पॉजिटिव से SN4 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव। ये आपका हो गया डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट खत्म। अब आ जाओ आप लैंथेनाइड। लैंथेनॉइड्स, लैंथेनॉइड्स में बेटा ये बात याद रखना, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स एक ही साथ ले लेते हैं। एक्टिनॉइड्स ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। जो लैंथेनॉइड्स होते हैं इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4F 1 to 14, 5D 0 से 1, 6S2। जो एक्टिनॉइड्स होते हैं वो होता है 5F 1 to 14, 6D 0 to 1, 7S2 7S2। कहीं कहीं लेंथेनॉइड्स का स्पेलिंग लेंथेनाइड्स भी लिखा हुआ है, तो कोई कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। अब लेंथेनॉइड्स की जो जनरल प्रॉपर्टी हो गया, सबसे पहले आ जाओ ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 में जनरली रहता है। ये +3 में जनरली रहता है, ये इसका मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और इन जनरल +2 and +4 ऑल्सो शो, +2 and +4 भी शो करेगा, बट इसकी भी टेंडेंसी रहेगी +3 में जाने की। बट देयर टेंडेंसी इज ऑल्सो टू गो इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, जो +2 से +3 में जाना चाहता है ये वाला गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और जो +4 से +3 में जाना चाहता है ये हो जाएगा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखना। ठीक है, अब मेनली जो इससे क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। ये इसका एक सिंपल सा मीनिंग लिख लो, एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, as the atomic number increases the nuclear charge increases by 1 unit The nuclear charge increases by 1 unit with each element. While no significant increase in shielding effect of 4f electron 4f electron. This causes a contraction in size. Which is called lanthanoid contraction. अब देखो लैंथेनाइड का जो रिएक्शन होगा, अब कोई भी लैंथेनाइड ले लो, मान लो एलन ले लिए, एसिड के साथ करवाओगे H2 गैस देगा, हैलोजन के साथ करवाओगे LnH3 देगा, वाटर के साथ करवाओगे तो LnOH होल ट्वाइस प्लस H2 देगा, नाइट्रोजन के साथ करवाओगे तो LnN देगा, यदि आप सल्फर के साथ करवाओगे तो ये LN2S3 देगा, यदि आप O2 के साथ करवाओगे तो ये LN2O3 देगा, LN2O3 देगा। नोट करते चलो, ठीक है बच्चों। तो यहां तक ये चैप्टर फिनिश हो गया। आपको यदि ये पूरे लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा विथ टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ठीक है, थैंक यू, थैंक फॉर नाइस कोऑपरेशन। ओके, बाय बाय।